Come in. Good morning, sir. Oh, good morning, Ratan. How are you? Fine, sir. Thank you. How about you, sir? Very well, thank you. पीठ में दर्द तो नहीं है सर? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। क्या नुस्खा दिया था तुमने? एक कागज पर लिख दोगे? वाई वरी सर, पहली बात तो दर्द होगा ही नहीं, और अगर हुआ भी यू कार्ड सर कीप इट सेफली। मैं लेप फिर से बना दूंगा। जस्ट रिमाइंडर सर, 8:30 ब्रेकफास्ट, 9 o'clock गाड़ी, क्योंकि आपको मीटिंग में जाना है ना सर। ये सब याद है तुम्हें? गुड मेमोरी। थैंक यू सर। ये माचिस। थैंक यू। हैव अ गुड डे सर। मस्ती मत। I will see to it. कमरे में कुत्ते। गुड मॉर्निंग सर। रतन आओ मेरे साथ। साहब को जानते हो? जी हाँ, वही ना आलविन कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर। हाँ, जिनके सामने तुम नाच रहे थे। उनके? नहीं, कुत्ते के सामने, और वो भी मजबूरी थी। अभी आपको बताया ना मैं कैसे कांप रहा था। अच्छा, तो कांपते भी ताल में हो तुम। धन्यवाद। धन्यवाद मुझसे नहीं, मेहरा साहब से कहो, वो तुम्हें अपनी एडवर्टाइजिंग फिल्म में काम देना चाहते हैं। क्यों? अरे भाई, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, नाम मिलेगा, पब्लिसिटी मिलेगी। वो तो ठीक है सर, लेकिन वो क्या है कि कैमरा वाले के सामने सब गड़बड़ हो जाएगा। उसकी फिक्र तुम मत करो, ये सब मुझ पे छोड़ दो। वैसे मैंने तुम्हारे जनरल मैनेजर से बात कर ली है। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अरे भाई, रतन को देखा है किसी ने? अपना रतन तो शूटिंग पर गया है आलविन कंपनी की फिल्म में। क्यों, क्या बात है? गांव से किसी बंसी काका का तार आया है कि उसकी दादी बाप बीमार है। काका, आपने तार दिया था, दादी मां कैसी है? Thank you.
मैं। पहचाना, पहचान लिया। अरे तू भी अपने हाथों से कुछ बांट दे, आज के दिन तेरे दादा सारे गांव को बांटा करते थे। तुम बात रही हो ना दादी? हाँ। इसका पुण्य तो मुझे ही मिलने वाला है क्योंकि मैं अकेला वारिस हूँ। ठीक से बांटना, तू अंदर आओ। अरे अच्छी तरह बांट देना है। अरे मारूंगा, पहले बीमारी का तार फिर बाहर इतने लोग, वही सर झुका है। मैं समझा कहीं तुम कितना रुलाया तुमने मुझे, अगर बुलाना ही था तो चिट्ठी लिख दी होती। अरे चिट्ठी को तू कुछ गिनता है क्या? जवाब तक नहीं देता। मत लगा, क्या जवाब दूं? हर चिट्ठी में तुम यही लिखती हो, शादी करो शादी करो शादी करो। तू क्या बुढ़ापे में शादी करेगा? अगर तेरे माँ बाप जिंदा होते तो कब का खूंटे से बांध दिया होता, और आज अगर तेरे दादाजी होते ना तो तेरे बच्चों के साथ खेल रहे होते। हाँ, जो खेल तुम खेल रही हो ना दादी, अगर दादाजी होते ना तो सारे दिन थप्पड़ मारते। अब तुम ठीक ठाक हो, बस मैं जा रहा हूं। अरे तुझे भेजने के लिए नहीं मरी थी मैं तार में। देख वो तलेगांव वाले बहुत पीछे पड़े हैं, और लड़की भी अच्छी है, और 14,000 दहेज देने के लिए बोल रहे थे। हाँ, बुलाओगे तो क्यों नहीं बोलेंगे। क्या दादी बाप मेरे लिए इतना? मैं तो बीए पास भी नहीं हूँ। इसीलिए तो 7,000 कम मिल रहे हैं, वरना मैं भी इससे कम में नहीं मानती। दादी माँ आज का तू लड़का है यही काफी है, और फिर तेरे दादा तो इस इलाके के तहसीलदार थे। इस बार मैं बात पक्की किए बगैर नहीं जाने दादी, अगर कृतिक नक्षत्र में बच्चा हो तो। बंसी काका वाह, तो तुम भी दादी माँ के साथ मिलकर तार है? जब मैंने पूछा कि दादी माँ कैसी है तो मुंह लटका कर खिसक है, अच्छा नाटक करते हो। अरे भाई मैं नाटक नहीं कर रहा था, तुम्हारी काकी गर्भ संकट में थी, उसका बच्चा होने वाला था। लेकिन हुआ क्या, लड़का या लड़की? दादी फिर वही माइनस। माइनस? अरे भाई लड़की हुई है। तो काका तुमको खुश होना चाहिए, घर में लक्ष्मी आई है। हाँ बेटे, माँ बाप के लिए खुशी की बात तो है, लेकिन आज के हालात में लड़की यानी कि माइनस। पालो पोसो बड़ा करो पढ़ाओ लिखाओ शादी करो घर फूक के दहेज देकर, उसके बाद तीज पर त्योहार पर बच्चा होने पर बस देते रहो माइनस ही माइनस। अच्छा बेटा ये बताओ, शहर में तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? अरे हाँ रतन, शहर में तुम करते क्या हो, सब यही पूछते रहते हैं। दादी माँ अब ये अपने मुँह से क्या बताओ, लाखों का कारोबार है, 100-150 आदमियों को अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ रोज। अरे वाह, बिल्कुल अपने दादा पे गया है, वो भी जब तहसीलदार थे तो अपने हाथों से अपने घर में 20-25 आदमियों को खाना खिलाया करते थे। क्यों बंसी, ठीक है ना? काका लड़ो। अच्छा बेटे रतन, शहर जाने से पहले एक बार घर पे हो आना। काका बैठिए ना। बाबा रतन भाई आए हैं। अरे आओ रतन बेटे, खड़े क्यों हो, बैठो बैठो यहाँ बैठो। अरे निर्मला जी, बेटे रतन के लिए कुछ ले आओ। काका। हाँ बेटे। ये निर्मला। हाँ बेटे, जैसी भगवान की इच्छा। कल ही तो दरवाजे पे बंदरवार टांगे थे, शहनाइयां बजाकर विदा किया था बेटी को, लेकिन शादी के 10 महीने बाद ही विधवा होकर लौटा बेचारी। दुख में दुख दिए जाता है ऊपर वाला, मुझसे तो इसकी हालत देखी नहीं जाती। अब यूं ही जिंदगी बितानी पड़ेगी बेचारी को। काका अगर हम निर्मला को कॉलेज में डाल देते हैं तो कम से कम उसका मन तो लगा रहेगा, और फिर उसे पढ़ाई का शौक भी तो है। हाँ बेटे, उसे पढ़ाई का शौक तो बचपन से ही था, आगे पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन मैंने उसे जानबूझकर नहीं पढ़ाया, क्योंकि लड़की को ज्यादा पढ़ाने का मतलब है उसके लिए उससे ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का देखना, बड़ा घर देखना, और इन सब के लिए ज्यादा दहेज देना। हम लोगों की ऐसी हैसियत कहाँ बेटे, मेरी और भी जिम्मेदारी है, और भी लड़कियां हैं। निर्मला आगे पढ़ने का मन नहीं होता? मन होने से क्या होता है भैया, मैं तो सोचती हूँ किसी के यहाँ काम ही मिल जाए, चाहे वो रसोई का हो या कपड़े धोने का, तो रोज बनकर बाबा के ऊपर नहीं रहूंगी। जी जी, कैसी बातें करती हो। काका निर्मला को लेकर शहर आ जाना, मैं कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा। हाँ निर्मला,
सुजाता जी पापा, लगता है यहाँ देर लगेगी। तुम यहाँ का काम कर लो, तब तक मैं सरकारी भंडार का काम निपटा लेता हूँ। अच्छा पापा। पापा आपके पास छुट्टी है ना? हाँ हाँ है। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट काउंटर। दैट वन? यस। एक्सक्यूज मी, यस, ये तो अल्विन कंपनी का चेक है। आप अल्विन हीरो है ना? हाँ। कितना अच्छा डांस किया था आपने फिल्म में। सिंपली फैंटास्टिक, सिंपली मार्वेलस। सही वक्त सही तक, एल्विन घड़ियां सचमुच वक्त की पाबंद। यस, चेक प्लीज। ओह आई एम सॉरी, ये तो क्रॉस चेक है। जी हाँ। आपका इस बैंक में अकाउंट है? जी नहीं। आई एम सॉरी, क्रॉस चेक तो अकाउंट में ही जाता है। ओह आई सी। आप एक काम कीजिए, एक 10 रुपए डालकर अकाउंट ओपन कीजिए और चेक डाल दीजिए। हाँ ये अच्छा रहेगा, मुझे जरा फॉर्म दीजिए। यस। आई एम सॉरी, आपका कोई पहचान वाला अकाउंट होल्डर है जो आपको इंट्रोड्यूस कर सके? जी नहीं, लेकिन आप तो मुझे जानती हैं, आप मुझे इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आई एम सो सॉरी, इस बैंक में काम करने वाले किसी को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओह आई सी, चेक प्लीज। आई एम टेरिबली सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ऑलराइट। आई एम सॉरी, नहीं मेरा मतलब है, आई एम सॉरी। देखिए आप, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। मेरा अकाउंट है यहाँ पे, मैं इनको इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ? प्लीज प्लीज। लेकिन आप तो मुझे जानती भी नहीं है। इन्होंने कहा ना कि आप ऑलविन हीरो हैं। यस यस, he is simply superb. Thank you. Simply great. Thank you. Simply marvelous. Thank you. Simply grand. आओ बेटी आओ। मॉर्निंग सर। पहचान क्या कि हम रतन के आदमी हैं? रूम नंबर रतन। मिस्टर रतन जी। मिस्टर जी आपके लिए होगा, मेरा बच्चा है रतन। 318 318 ऊपर बाबा लाइट। ओह थर्ड फ्लोर, माफ कीजिएगा। आओ बेटे। आप ये 318 है ना? जी हाँ। तो ठीक है, तुम कौन हो? मैं रतन साहब का सेक्रेटरी हूँ। हाँ, वो कहाँ है? वो नहा रहे हैं। वही गंदी आदतें, बैठो बैठो बैठो, कभी नहीं सुधरेगा। आपने उनसे अपॉइंटमेंट लिया साहब? अरे मैं उस गधे का काका हूँ। नमस्ते जी। जीते रहो। वो मेरे सामने कंचे खेलता था, डंडे खेलता था, नंगा घूमता था। अरे भाई, तुम होटल में काम करते हो क्या? यस सर। क्या क्या मिलता है तुम्हारे यहाँ? बाबा अभी अभी तो आए हैं। अरे इसलिए तुम नाश्ते के लिए कह रहा हूँ, खाना तुम दोपहर को खाएंगे। क्या लोगे बेटे तुम? चाय कॉफी ठंडा गर्म? कुछ कुछ नहीं बाबा। नहीं कुछ लो, शर्मा नहीं करते, समझे ना, अपना ही घर है। अरे सुनो जी, दो मसाले वाला दूध लाओ, बॉर्नविटा डाल के कड़क जल्दी। अभी लाया सर। रतन सिगरेट पीता है? नहीं सर, सिगार पीते हैं। क्या? कभी कभी पाइप भी पीते हैं सर। बदतमीज, जलील गधा, इतना बिगड़ गया है। कहीं बाथरूम। अबे गांव में गाय का दूध पीते शर्माता था, यहां शहर आकर सिगरेट पीने लगा है? कोई बड़ा आदमी हो गया क्या? निकल बाहर, अभी बता दो, तुझे उल्लू का बच्चा, निकल। आप ये कौन है? आपके काका है सर। मेरे काका? नहीं नहीं नहीं, मैं आप मेरे काका नहीं है। वो ऐसा कि मैं बात किया कि मैं आपका काका नहीं हूँ। रतन, रतन नीचे रिसेप्शन 318। यही 318 है। लेकिन आप रतन नहीं है? मैं ही रतन लाल हूँ। वो रतन नहीं, राधनपुर वाले, मतलब मेरा रतन जो कंचे खेलता था, नंगा घूमता था। देखिए
मैं बता नहीं मैंने आपको क्या कह दिया। मैंने आपको सुअर कहा, मैंने आपको गधा कहा, मैंने आपको उल्लू का बट्टा कहा, मैंने आपको टेबल कुर्सी कहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, आपसे गलती हो गई मुझसे। मैंने आपको अपना रतन समझकर देखे। मैं हाथ जोड़ता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग काका। यही मेरा रतन है साहब। बेटे तुम ये मैं इन्हीं के सामने बड़ा हुआ हूँ। आपका बोन भी क्या? शायद इनका होगा। दीजिए। नहीं 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 साहब, मैं सिर्फ सुबह एक कप चाय पीता हूँ। लाइए। सॉरी फॉर द ट्रबल। इट्स ऑल राइट। आओ काका, आओ। नहीं मिला, मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। गाँव में दादी से कह के आए थे कि 150 आदमियों को रोज खाना खिलाता हूँ, यहाँ ये काम करते हो। जॉन, ये मेरे काका हैं और ये मेरी बहन निर्मला। दो चाय ला। नहीं चाहिए। और झूठी प्लेट उठाते हो, लोगों के कपड़े धोते हो, जूते पॉलिश करते हो, उनके बाथरूम साफ करते हो। काका, इसमें गलत बात क्या है? लोगों की सेवा करना, उनके काम आना तो अच्छी बात है, और फिर किसी ना किसी को तो ये काम करना ही था, तो मैंने कर लिया। कम से कम मैं किसी से झूठ तो नहीं बोलता, रिश्वत तो नहीं लेता, गरीबों का गला तो नहीं काटता। अरे तुम्हारे बाप दादा बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां किया करते थे, तुम ये काम करते हो। अगर दादी माँ को मालूम हो गया तो? इसलिए तो मैंने उनसे झूठ कहा। सच्चाई से अगर दुख पहुंचे तो झूठ बोलना बेहतर है। हाँ। बाबा, ये ओछे काम करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म काम ना करने में है, काम करने में क्या शर्म? बैठो ना, इस समाज में कड़िए की उतनी ही जरूरत है जितनी कलेक्टर की। काका, पेशा हमें इज्जत नहीं दे सकता। हम पेशे को इज्जत दे सकते हैं, उसे उठा सकते हैं, महान बना सकते हैं। चाय लीजिए। ठीक है बेटे, लोग अपने अपने पागलपन में खुश रहते हैं, तुम भी खुश रहो। मैं यहां पोस्ट ऑफिस के काम से आया था, उसे निपटा के चला जाऊंगा। पोस्ट ऑफिस के काम से आए थे? हाँ, वो मैं। भैया, जो लिखा है वही होगा, हम गांव लौट जाएंगे। आइए बाबा। निर्मला, जो लिखता है वो तुम्हारे सामने है नहीं, लेकिन जो तुम्हारे सामने है एक वेटर, वो क्या लिखना चाहता है देख के तो जाओ ना। प्लीज। थैंक यू। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। आपने मुझे पहचाना नहीं उस दिन बैंक में? रतन। ओ अच्छा अच्छा। लेकिन आप यहां? मैं यही काम करता हूँ। ये लीजिए। मैंने तो सिर्फ कॉफी ऑर्डर की थी। हाँ, कॉफी भी आ जाएगी। लेकिन सब आपको खाना होगा, ये हमारे होटल की स्पेशलिटी है। अच्छा था ना? या कॉफी? शुक्रिया। शुगर। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसी सब्जेक्ट की वजह से मैं बीए में 4 साल से फेल हो रहा हूँ। बड़ा बकवास और बोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए, ऐसी बातें मुझसे करना ठीक नहीं है। जी मैं सच कह रहा हूँ। मैं ट्यूटर हूँ। जी जी हाँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। ओह, मुझे माफ कीजिएगा,
वो बात यह है कि जो हमारे ट्यूटर है ना, वो बड़े काले बच्चकल से बड़े वाहियात किस्म के आदमी हैं, इसलिए इतना अच्छा सब्जेक्ट गंदा कर दिया। अगर आप जैसी टीचर घास के बारे में भी पढ़ाए ना, तो फूलों की खुशबू आ सकती है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। इट्स ऑल राइट। कैन आई हैव माय बिल प्लीज? नो बिल। मेरा मतलब है कि ये सब मेरी तरफ से है। देखिए, पहले आप बीए पास कर लीजिए, उसके बाद मैं आपकी तरफ से खाऊंगी। अच्छा, बहुत साल लग जाएंगे। मैं इंतजार कर लूंगी। तो फिर जल्दी लाइए बिल। अभी लाया। मेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी? वाह, आपका पाउंड ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू। ये रहा आपका बिल और चेंज। इतनी सारी चीजों के लिए सिर्फ 2 रुपए? हाँ, आपने सिर्फ कॉफी ऑर्डर की थी ना। इसे भी रख लीजिए। ये किस लिए? आपके चप्पल के लिए। थैंक यू। अरे साहब, आपके घर में पहला शुभ कार्य हो रहा है, कोने कोने से लोग आएंगे और आप चार कोनों से घबरा गए हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कॉफी? एक्सक्यूज मी सर, आप स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ में हैं? ये कोई मामूली तकलीफ नहीं है, ये तकलीफ है। ये तकलीफ झाड़ू के दिनों में और भी बढ़ जाती होगी। ये पट्टा वट्टा तो ठीक है, लेकिन मेरे पास इसके एक अच्छा इलाज। मैं बकबक तो नहीं कर रहा हूं, पहले सुन लें फिर बताते हैं। बहुत मामूली एक्सरसाइज है सर, दिन में 2 बार करनी होगी, सुबह शाम। ये देखिए, हाथ यूं रख के मालिक की तरह से पकड़ेंगे आप। आप भी इसे यहां रख दीजिए। हाँ जी, ये हाथ यूं रखिए। यू यू हाँ, यस राइट। हाँ गिनिए, 1 2 1 1 2। इन बड़े घरों में कुत्ते भी होते हैं। हा? संभल के बाबा। बाबूजी, कौन? नमस्ते। नमस्ते जी, मैं रातनपुर से आया हूँ खास आपसे मिलने के लिए। जी, मैंने सुना है कि आप कॉरपोरेशन के काउंसलर हैं, गर्ल्स कॉलेज के सेक्रेटरी हैं। और जी देखिए, मैं ज्ञान हूँ। कृपा शंकर जी मेरे पिताजी। भगवान से निवेदन करने से पहले पुजारी से भी निवेदन कर लेना चाहिए। मेरी बेटी निर्मला। नमस्ते। नमस्ते जी, आइए। शुक्रिया, मैं इसी के बारे में बात करने आया था, इसे मैं कॉलेज में भर्ती कराना चाहता हूँ। शादी के 10 महीने बाद ही विधवा हो गई है बेचारी। ओह जी हाँ, आपकी कृपा से कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो एक सहारा हो जाएगा, नया जीवन मिल जाएगा मुझे। हाँ बाबूजी, अभी आ जाएंगे वो, आप अंदर बैठिए। अच्छा अच्छा, आओ बेटी। साहब जी छोटे बाप, साहब जी छोटे बाबू, अरे साहब जी, ओ साहब जी, छोटे बाबू की सीट के लिए मैंने मेडिकल कॉलेज में फोन किया था, वो पूछते हैं डोनेशन कितना दोगे। फिर मैंने इतना देने को बोला। 50,000। वो इतना मांगते हैं। 1,00,000। मैं यहाँ तक आ गया था। 75,000। वो इतना भी कम नहीं करते। 10,000 भी नहीं। 10 पैसे भी नहीं। देखिए साहब जी, ये इतना 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 सब बच जाएगा। छोटे बाबू को संगीत का शौक है, उनको संगीत के विद्यालय में भर्ती करवा दीजिए। बाद में तुम सारेंगे बजाना, मैं तबला बजाऊंगा। मुझे बच्चा हुआ। अच्छा, ये या ये? प्लस प्लस, मुबारक हो। साहब तो काय मर्तक, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, प्लस माइनस। इनकी पत्नी को कुछ गड़बड़ हुई प्रसव में? अरे नहीं नहीं, बताओ अपने घर में कितने प्लस हैं? साहब जी, आपकी धर्म पत्नी का तो स्वर्गवास हो गया ना। अरे वो स्वर्गवासिनी हो गई है, मगर प्लस कितने छोड़ के गई है? प्लस
बेटे बेटे ओहो बेटे बेटे डोंट साहब डोंट डोंट तो अगर बेटे डॉक्टर या इंजीनियर भी हो हाँ तो डबल प्लस हो गए डबल प्लस दो प्लस हाँ जी हाँ तो बड़ा बेटा ज्ञान शंकर ज्ञान शंकर वो बी है ना बीई तो वो कम से कम 4-5 लाख तो जरूर लाएगा दहेज सम्मान डिग्री का एक सम्मान होता है ना वही है प्लस दूजा और छोटा बेटा बद्री शंकर अगर उसे भी मेडिकल डिग्री मिल जाए तो वो भी इतना सम्मान तो ले इतना नहीं इतना नहीं ए, ए, इतना इतना 5 लाख सम्मान तो 1 लाख अगर चला भी गया तो क्या है 4 लाख का फायदा तो रह गया ना जाओ जाओ उसे फॉर्म पर दस्तखत करवाओ छोटे बाबू ओ छोटे बाबू करे मैं ये सीखना चाहता हूँ और ये मेरी गुरु है डायरी से 5,000 लेकर आओ गुरु दक्षिणा के लिए मैं अभी से सीखूंगा अरे रे 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 रे, आपके पिताजी ने 5 लाख रुपए की योजना का प्रवेश पत्र भेजा है और आप ये करेंगे 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा पिताजी को अरे मैं तुम समझते क्यों नहीं हो तुम्हारी बेटी 10 महीने में विधवा हुई है मैं ऐसी भी लड़कियां हैं जो 9 महीने में 7 महीने में सब नौकर मर गए क्या 10 दिन में 2 दिन में विधवा हुई है किस विधवा को जरूरत ज्यादा ही है सोचना पड़ेगा ना जाओ तुम जाओ कृपा शंकर जी मैं बड़ी उम्मीदें लेके आपकी सेवा में आया था बात ऐसी है कि अरे भाई तुम तो अड़ी गए हो इन्हें ले जाओ इसे टाइप कर दो अब फिर कोई तकलीफ तो नहीं होगी मेरी बच्ची का एडमिशन हो गया ना कहा ना भाई हो गया और मेरी बहन का कहा ना भाई नहीं होगा नहीं होगा उनकी बेटी का हो सकता है तो मेरी बहन का उन्होंने 10,000 रुपया डोनेशन दिए हैं डोनेशन शुद्ध हिंदी में दान और अशुद्ध हिंदी में कहते हैं रिश्वत क्या कहते हैं रिश्वत कुछ भी कहो है तो दान 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 जबरदस्ती नहीं मांगा जाता ठीक है बाबा अपनी मर्जी से दे दो दान पुण्य के बिना तो स्वर्ग के द्वार भी नहीं खुलते कॉलेज के कैसे खुल जाएंगे नेक्स्ट अरे नेक्स्ट नेक्स्ट क्या देखता हूँ कैसे नहीं खुलेंगे मेरी बहन ने मैट्रिक अच्छे डिविजन में पास किए ये देखिए फिर क्या वजह हो सकती है वजह जानने की जरूरत नहीं है तुम जा सकते हो उठाओ इसे उठाओ मैं बगैर जाने यहाँ से जाऊंगा नहीं तो धक्का खा कर जाओगे अरे देखता हूँ कौन धक्का मारता है मुझे ए बलम निकाल इसको यहाँ से अरे चलो भाई साहब चलो इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई को धंधा बना के रखा है क्यों गले पड़ रहे हो अरे स्कूल और कॉलेज पढ़ाई के मंदिर होते हैं तुम लोग घूस खाकर इस मंदिर को बदनाम कर रहे हो जो पढ़ने में अच्छा नहीं होता वो रिश्वत देकर यहाँ मस्ती करने आ सकते हैं और जो गरीब होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं कुछ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं उनका खून चाहिए अरे समझा देना अभी छोड़ देख लो उन्होंने भी रहने दो भैया झगड़ा करने से क्या फायदा माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 2 3 1 1 2 अध्यापकों और बहनों आज के इखाने जब बांग्ला प्रोग्राम होच्छे तार जन्ने आमी बांग्ला बोलते पारी ना किंतु चेष्टा करबो आज के जब प्रोग्राम होच्छे बांग्लाते तार जन्नो सबाई के आमार नमस्कार La 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 Beautiful Pa ma ga pa Ma ga ma ga Pad shala te इदूर एलो शिखबे बोले लेखा पढ़ा शोनो शोनो गल्प शोनो 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 गल्प शोनो पाठशाला ते इदूर एलो शिखबे बोले लेखा पढ़ा शोनो शोनो गल्प शोनो 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 गल्प शोनो गुरु बोलें लेखा पढ़ा शिखते तुम्हार गुरु गणेशर का छ जाओ
ये खाना क्या नो? ना ना करो ना आदेश गणेशार नहीं जे गणेश ना ना करो ना आदेश गणेशार नहीं जे गणेश। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं? एक चूहा लिखाई पढ़ाई सीखने के लिए स्कूल आया तो गुरुजी ने कहा तुम तो गणेश जी के वाहन हो और गणेश जी तो विद्या के देवता हैं, उनसे जाकर सीखो। तो चूहे ने कहा कि आज के गणेश जी भी पैसा मांगते हैं। ना ना करो ना आदेश गणेशार नहीं जे गणेश ताका छड़ा गुरु गणेश देवे ना आमाय कोनो शिक्षा आमाय कोनो शिक्षा। पाठशालाते इदुर एलो शिखबे बोले लेखा पढ़ा शोनो शोनो गल्प शोनो 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 गल्प शोनो। रंगशाला में सीखने गाना कोयल आई सुनो सुनो कथा सुनो 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 कथा सुनो। रंगशाला में सीखने गाना कोयल आई सुनो सुनो कथा सुनो 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 कथा सुनो। गुरु ने कहा संगीत विद्या सीखने के लिए यहाँ क्यों आए हो? संगीत तो तुम्हारे माता पिता की संपत्ति है, वहाँ जाओ ना। नाना मुझे वहाँ नहीं जाना वो ना सिखाएंगे गाना। नाना मुझे वहाँ नहीं जाना वो ना सिखाएंगे गाना। नाना मुझे वहाँ नहीं जाना वो ना सिखाएंगे गाना। माता पिता भी पैसा लिए बिना देते नहीं शिक्षा देते नहीं शिक्षा। रंगशाला में सीखने गाना कोयल आई सुनो सुनो कथा सुनो 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 कथा सुनो। सीखन को नाच मोरनी आई सुनो सुनो कथा सुनो 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 कथा सुनो। गुरु ने कहा अरे मोरनी तुम्हारे प्रेमी मोर से अच्छा कौन नाचता है, वहां जाओ ना। हार गई उसको मनई के काल दे बहाना बनई के हार गई उसको मनई के काल दे बहाना बनई के हार गई उसको मनई के काल दे बहाना बनई के। एक दिन वो लंबपत नाचे दिन पहले दे दे पैसा पहले दे दे पैसा। गुरु जी के पास सीखन को नाच मोरनी आई सुनो सुनो कथा सुनो 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 कथा सुनो। थैंक यू बहनों, ये जो कहानी मैंने सुनाई है ये कहानी नहीं हकीकत है जो आजकल हर कॉलेज में हर स्कूल में चल रही है। और इसी भंवर का निर्मला स्टेज पर आ, इसी भंवर का शिकार मेरी बहन निर्मला भी है जो अच्छे नंबर से पास होने के बावजूद भी उसे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। डोनेशन मांगते हैं, रिश्वत, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? सुनिए, क्या है? प्रिंसिपल साहब ने बुलाया साहब। प्रिंसिपल साहब ने? हाँ जी। चलो भैया।
Are you all right, sir? Oh no. चाय लेंगे? क्या हुआ बेटे? अरे लेकिन ये तो बता बेटे कि काम हुआ कि नहीं? अरे किसके पैर छुए तुमने? अरे भाई यहाँ कोई ऑर्डर लेने वाला है कि नहीं? अरे ऑर्डर के बाद छोड़, पानी भी नहीं है इधर। यार तुम हाल हो गई है, ऐसे सारे बच्चे रोंदे पहने पानी भी देगा। अरे फिर काम कैसे बना? घर गधने सारे धाप समिति के साहब लोग हैं। आप हैं महामंत्री दुबे और ये हैं चौबे अध्यक्ष। नमस्कार। दुबे चौबे जोड़ी तो अच्छी है। बोलिए क्या लेंगे, चाय कॉफी? नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी भी मैं चाय पी। आप जल्दी से अपनी स्कीम बताइए। आपके दर्जे के हिसाब से कीमत सोचना और आपका सम्मान करना है। हम सब का इसी तरह करते हैं, हमारा काम ही यही है। अच्छा जी हाँ, स्टेज पर लाउड स्पीकर, हॉल में जनता, उनकी तालियां आरंभ से लेकर यानी के वंदे मातरम से जनगण मन अधिनायक तक, ये सारा इंतजाम हम ही करते हैं। आप गाड़ी में बैठ के आइए, फूलमाला पहनिए, सम्मान पत्र लीजिए, फोटो खिंचवाइए और चले जाइए। भाव बताइए। भाव अब देखिए, अगर हम 16,000 रुपए तय कर लें तो मैं आपको दीन विहीन सुधारक की पदवी दे सकता हूँ। और बताइए, और बताइए, बताइए और बताइए। जी हाँ, अंग विहीन विकल उधारक लंगड़ी लगती है। कोई अच्छी सी पदवी दीजिए। देखिए बात क्या है, नामकरण संस्कार से लेकर आज तक लोग इनको कृपा शंकर के नाम से जानते हैं। ना आगे कोई पदवी है, ना पीछे कोई स्कूल वगैरह की डिग्री। नहीं, मरने के बाद स्वर्गीय कृपा शंकर वगैरह वगैरह सब बोलेंगे, लेकिन इनको कैसे पता चलेगा, ये तो मर चुके हैं ना। नहीं नहीं, इनको समझाने के लिए कह रहा था, वो पदवी की प्रेरणा। बोलिए आगे। क्या है? आगे बोलो। लोक हृदय नायक, बाल पालिका उद्धारक। क्यों, मैं बड़ों का उद्धार नहीं करता क्या? छोड़िए ये सब, मुझे वो दे दीजिए, वो भारत रत्न। वो ये नहीं दे सकते। क्यों, मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, भारत रत्न सिर्फ भारत सरकार ही दे सकती है। अरे सरकार नहीं दे रही है, इसीलिए तो इन लोगों से मांग रहा हूँ। पुलिस पकड़ के ले जाएगी। किसको? पदवी देने वाले को। ले जाने दो। नहीं नहीं, लेने वाले को भी। ओ, मुझे नहीं चाहिए, जाने दो। नहीं नहीं नहीं। अच्छा आपके पास ये लंगड़ी लूली टूटी फूटी छोड़ का कोई पदवी नहीं है क्या? दीन जनार्दन सम्राट। सम्राट? नमस्ते साहब जी। नमस्ते। क्यों सम्राट बोलो? नहीं नहीं, मैं जगन्नाथ जी के लिए कह रहा था। ये क्यों आया, कॉलेज के काम से या कॉर्पोरेशन के? सुबह बताया था ना बड़े बाबू के रिश्ते की बात करने। तुम इन लोगों से बातें पक्की कर लो। आइए आइए। नमस्कार नमस्कार। आपकी दो बेटियां हैं जी? आपको कैसे मालूम? दो बार नमस्कार किया ना। मेरे भी दो लड़के हैं, मगर अब तो आप बड़ी बेटी के लिए आए हैं ना। जी हाँ। तो एक नमस्कार काफी है, बाकी बातचीत पक्की होने के बाद दूसरा करेंगे। जी दूसरा क्या,
अगर यही एक शुभ काम हो जाए तो इसके लिए हजार नमस्कार भी कम। लाखों के कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है मेरा बेटा। जी हाँ सुना है, बड़ा होनहार लड़का है। बस यही तो मुसीबत है, शहर के बड़े बड़े घराने उसके पीछे पड़े हैं। अब तो खाना खाने का वक्त है, आप तो चाय वाय तो जी नहीं, 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 नहीं। तो आपकी बेटी बीकॉम के बाद एमए किया है, आप ही के कॉलेज में तो पढ़ाती है। अच्छा अच्छा, एमए बीई चल जाएगा चल जाएगा। अगर कृपा करके एक बार आप घर पे आ जाते तो दूसरा नमस्कार करके बात पक्की करना चाहते हैं आप। जॉन सब सामान रख लिया ना? हाँ रख लिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रतन। यस सर। हाउ इज एवरीथिंग? ऑल फाइन सर। देखो कोई शिकायत ना होने पाए, वहां आने वाले आदमी कृपा शंकर जी हैं, और बात लड़की के रिश्ते की है, कुछ आगे पीछे हो गया तो वो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं सब संभाल लूंगा। गुड। क्या कर रही हो? फूल लगा रही हूँ। मैं गुलदान हूँ क्या जो इतने फूल सजाओगी? तो फिर मैं लगा लूँ? हाँ हाँ लगा लो। तो फिर ठीक है, लेकिन अगर उन लोगों ने कहा कि छोटी ज्यादा स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, हमें तो वही पसंद है, तो फिर मुझे दोष नहीं देना। दे 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 दे। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। क्या बात? वो होटल से खाने पीने का सामान लाया। ओ विजय। हाँ। यस पापा। देखो नाश्ते का सामान आया है, इसे रखवा लो। अच्छा पापा। गुड मॉर्निंग। ओह पापा बोल रहे आशोन आशोन। वो वहाँ उस तरफ। ओह गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो क्या ये आपकी? हाँ। यहाँ ये साबुन है, लाइए। और भी है यहाँ। एक सेकेंड। शुभकामना। एक्सक्यूज मी। सुजाता की माँ, लड़के वाले आ गए। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए। अरे कथा कहीं का? छोटे बाबू भी आते होंगे, दरवाजे पर ठहरो। अच्छा अच्छा आइए आइए बड़े बाबू आइए। सुनिए मिस्टर गधा कहीं का। मिस्टर गधा कहीं का। आप भी जी? ये नाम है ना आपका? अरे जब ज्यादा प्यार होता है तो ये सुर लगाते हैं, खरखरे। अच्छा खरखरे। खरखरे जी, जी आप अंदर चलिए, मैं छोटे बाबू को लेकर आती हूं। हां मगर आप छोटे बाबू को पहचानती हैं? बड़े बाबू को तो देख लिया मैंने, छोटे बाबू भी ऐसे ही होंगे। यही यही है चमत्कार भगवान का। बड़े बाबू उनके दाएं बाएं हाथ की बांसुरी शांत और सुशील, और ये छोटे बाबू उनके तीसरे चौथे हाथ के शंख और चक्र, चक्कर और शोर। फिर तो जरूर पहचान लूंगी मैं उन्हें। आप चलिए ना। खर खरे। अच्छा गधा कहीं का। आओ आओ विजी, बैठो बैठो। विजी छोटी का नाम है, इसका नाम सुजाता है। सुजाता। हाँ हाँ सुजाता। आइए आइए मिस्टर बद्रीशंकर। नो नो माय नेम इज बद्रीशंकर। माय नेम इज विजी। मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैं आपको पहचान गई। आई सी। अंदर प्रोग्राम हो गया क्या? प्रोग्राम? माय ब्रदर सिंग लड़की। वो मेरी दीदी है। अच्छा। क्यों भाई लड़की पसंद है ना? तब तो बधाई हो जगन्नाथ जी। वो साहब जी इस तरह बाकी की बातें भी कर लेते हैं। चुप गधा कहीं का। लड़की अच्छी है, लड़के को पसंद है तो बात क्या करनी है? क्यों जगन्नाथ जी ठीक है ना? नहीं वो तो ठीक है,
मगर बाद में कोई गलत फहमी, कोई मन मुटाव ना हो तो जरा पहले से बात करना ठीक रहता है। हाँ ये भी ठीक है, तो कहो क्या कहना चाहते हो? नहीं वो मोदी साहब 5 लाख रुपया आपको दहेज में देना चाहते थे मगर आपने इनकार कर दिया। हाँ कर दिया। हाँ। पैसा क्या है कहिए जगन्नाथ जी, कहिए। हाथ का मैल है, खास बात है, अच्छा घर, अच्छे लोग, अच्छी लड़की, है ना? ये तो आपका बड़प्पन है। 5 लाख मुझे नहीं चाहिए, 4.5 लाख काफी है। 4.5 लाख? कृपा शंकर जी जरा सोचिए। 3, 4, नो नो, 4 ही सही, 5.5 नहीं चाहिए, 4 ही सही। शुभम शुभम, क्यों? हाँ हाँ, दैव निर्णय। हाँ दैव निर्णय। और कुछ? आप शायद भूल गए, कपूर साहब ज्ञान बाबू को एक मर्सिडीज कार दे रहे थे। ठीक ठीक, मर्सिडीज। जगन्नाथ जी भी हमारी तरह 100% भारतीय है, बी इंडियन बाय इंडियन। मर्सिडीज नहीं नहीं, लेटेस्ट मॉडल एम्बेसडर ही चलेगी, ठीक है ना? और कुछ? वो जगन्नाथ जी ने तो हाँ कही नहीं। हाँ कह दिया कह दिया। ला 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 ला। चल, तुझे कुछ और कहना है? जी नहीं, बस वो MBA कोर्स के लिए ज्ञान बाबू को अमेरिका भिजवाने की बात थी। अरे गधा, वो तो जगन्नाथ जी खुद ही भिजवा देंगे, उन्हीं का दामाद है। नहीं वो ज्यादा पढ़ेगा, ज्यादा कमाएगा, ज्यादा बड़ा आदमी बनेगा, ठीक है ना? उनसे पूछ। जगन्नाथ जी ठीक है ना? क्या ये मकान आपका पुश्तैनी है? आपने खुद ही बनवाया है? अरे वाह वाह, तो ज्ञान अमेरिका से वापस आके यहीं अपना दफ्तर खोल सकता है। लो जगन्नाथ जी की ये चिंता भी दूर हो गई। हमारी मीटिंग का समय हो गया है, तो जगन्नाथ जी उधर उधर। तो जगन्नाथ जी सब तय हो गया ना, या आपको कुछ कहना है? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तुम? जी, शादी के लिए आपने इतनी मांगे रख दी, ये भी देखा कि मेरे माता पिता की इतनी हैसियत है या नहीं? ये देखने की मुझे क्या जरूरत है, मेरा बेटा इंजीनियर है। तो इंजीनियर लड़के को आजकल कितना दहेज मिलता है ये जानने के बाद ही तुम्हारे पिता मेरे पास आए होंगे। वो ये सोचकर गए थे कि आप एक सज्जन, संस्कारवान, सहृदय व्यक्ति हैं, अपने बेटे को सामने रखकर आप उसकी बोली लगाएंगे, ये उन्हें नहीं मालूम था। सुजाता, कृपा शंकर जी आप इसकी बातों का ख्याल मत कीजिएगा, मैं क्षमा चाहता हूं। देखिए ये क्षमा कैसे मांग रहे हैं, जैसे इन्होंने कोई पाप किया है। और आप जानते हैं वो पाप क्या है? एक बेटी को जन्म दिया, उसे पढ़ाया है, लिखाया है, उसके लिए अच्छे वर की कामना की है, यही सब इनका बहुत बड़ा अपराध है। अपराध? अपराध? इसमें अपराध कहां से आया? ये तो लड़की के कर्म है। लड़की के कर्म? और क्या, दहेज की प्रथा तुमने या मैंने आज तो नहीं बना डाली, ये रिवाज तो सदियों से चला आ रहा है। लड़की वाले देते हैं, लड़के वाले लेते हैं। लेते नहीं, नोचते हैं, छीन लेते हैं आप लोग। लड़की कानी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, गुंगी हो, आप पर बोझ बनने वाली हो तो एक बात भी है, मगर आपको सर्वगुण संपन्न सुलक्षणा लड़की चाहिए, जो अपना घर छोड़कर आपके यहाँ जाएगी, आपका घर संभालेगी, आपका वंश चलाएगी, जब तक जिएगी आपका कामकाज करेगी, और ऊपर से आप उसके माता पिता से रुपये भी मांगेंगे, आखिर क्यों? सर, वो बंधन जो 7 फेरों से होना है, 7 लाख से नहीं होगा, मर्सिडीज गाड़ी से नहीं होगा, अमेरिका ट्रिप से नहीं होगा। खड़खड़े जी, इस लड़की से कहो ये भाषण अपनी क्लास में दे, मैं ये सब सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि रिवाजों की आड़ लेकर आप जैसे महापुरुष ही अनाचार करते हैं, लड़की वालों के घर में डाका डालते हैं आप लोग। ये ठीक है कि बेटी को सुखी देखने की लालसा हर माँ बाप में होती है, बेटी अच्छे घर में जाएगी, उसका पति पढ़ा लिखा होगा, वो सुख से जीवन बिताएगी, इसके लिए वो हर त्याग करने को तैयार रहते हैं, जान देने को भी तैयार रहते हैं, मगर आज की लड़की अपने माँ बाप को जिंदा जमीन में गाड़कर उनकी लाश पर अपना महल नहीं खड़ा करना चाहती।
सिर्फ ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उसे समझ सकता हो, उसके सुख दुख का हिस्सेदार बन सकता हो, तो उसके साथ तकलीफें उठाने में भी उस लड़की को एक संतोष मिलेगा। भले उस लड़के के पास कारें ना हो, बंगले ना हो, डिग्रियां ना हो, भले ही वो मामले सा क्लार्क हो, मजदूर हो, रिक्शा वाला हो। शाबाश। देख लड़की, हवा खाने के लिए तो घास पत्ते का पंखा भी मिलता है, लेकिन मयूर पंख चाहिए हो तो जरा महंगा आता है। हाथी दांत तो और भी महंगा। सिर्फ हवा ही खानी है तो एक रद्दी अखबार ही लाने से भी तो काम चल सकता है। यही इच्छा है आपकी लाडली बेटी की, तो एक काम कीजिए, एक टांगे वाला को पकड़ लीजिए और एक होटल के किसी वेटर को, और दो बेटियां हैं ना आपकी, इन दो लोफरों से काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत सुखी रहेंगी आपकी बेटियां इन दो लोफरों के साथ। चलो बैठे क्यों हो, खड़े खड़े। हेलो, खत्री हियर। कृपाशंकर बोल रहा हूँ। कृपाशंकर जी नमस्कार। हमारे कॉलेज में एक ट्यूटर है ना, सुजाता। जी हाँ जी हाँ। उसे फौरन नौकरी से निकाल दीजिए। जी, लेकिन वो तो बहुत अच्छी ट्यूटर है सर। अच्छा, हम तो उसे प्रमोशन। अच्छा, तो एक काम कीजिए, आप कॉलेज छोड़ दीजिए, वाइस प्रिंसिपल को चार्ज दे दीजिए। आप भी क्या पापा, कोई आपको बोटी बोटी नीलाम कर रहा हो और मैं चुपचाप देखती रहूं? सुजाता, जिस दिन बेटी घर में पैदा होती है, माँ बाप उसी दिन से इस नीलामी के लिए तैयार हो जाते हैं। ना उन्होंने कोई नई बात कही, ना हमने कोई नई बात सुनी, लेकिन तुमने उनके खिलाफ जाकर समस्या को सुलझाया नहीं, बल्कि एक बदनामी मोल ले ली। भगवान जाने अब इसका अंजाम क्या होगा। अंजाम यह है कि एक बार फिर साबित हो गया कि हम लोग नामर्द हैं, बुजदिल हैं। विजय ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सुजाता, तुम्हारे सांस के आगे सर झुकाने को जी जाता है, लेकिन खत्री, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम भी जगन्नाथ, तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी, कि सुजाता का कहा एक एक लफ्ज सही है, लेकिन हम इस सच्चाई को कबूल करने से लाचार हैं। बेटी, तुम्हें मालूम है यहां किस लिए आया हूं? जिस विश्वास के साथ तुमने अन्याय को अन्याय कहा है, मैं तुम्हें उसी के लिए इनाम देने आया हूं। लो, नौकरी से तुम्हें बर्खास्त किया गया। धन्यवाद। नमस्कार सज्जनों और सज्जनियों, कृपा शंकर जी ने यहां पधारने की कृपा कर दी है। आ हा हा,
इन तालियों से, इस शोर से पता चलता है कि कृपा शंकर जी को कौन नहीं जानता। इन तालियों और इस शोर की कृपा शंकर जी को कोई आवश्यकता नहीं है। कहने देना, क्षमा प्रार्थी हूं बीच में। और ना ही इन्हें किसी पदवी या सम्मान की जरूरत है। मिलेगी मिलेगी, जरूर मिलेगी। परंतु हम अपना कर्तव्य समझते हुए इन्हें सर्वश्रेष्ठ दीन जनोधरण सम्राट की पदवी से विभूषित करते हैं। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले फूलमालाएं अर्पित की जाएंगी। सबसे पहले हमारी संस्था की ओर से गजमाला। तालियां। इसके बाद तालियां। तालियां। ठीक है। अब होटल वर्कर्स यूनियन की ओर से फूलमालाएं अर्पित की जाएंगी। होटल में काम करने वाले लोफर नजर आते हैं, लोफर कहीं का। तालियां। तांगे रिक्शे वालों को लोफर समझता है, लोफर कहीं का। तालियां। मेहनत करने वाले लोफर होते हैं, लोफर कहीं का। तालियां। तालियों की गड़गड़ाहट में कुछ सुनाई नहीं देता। आप मुंह को हंसता रखिए साहब जी, हंसता हंसता। मजदूरी करने वाले लोफर होते हैं, लोफर कहीं का। तालियां। 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 मुंह को खुला रखिए, लोफर कहीं का। तालियां। हमारी तरफ से ये सम्मान पत्र भी सुनिए। सब ठीक है। माननीय श्री कृपा शंकर जी, अपने नाम के अनुसार बड़े कृपालु हैं और शंकर भगवान की तरफ भोले हैं। आप गरीबों का दुख दर्द समझकर उनका उद्धार करते हैं, इसलिए इन्हें दीन जनोधन सम्राट की पदवी देना उचित ही है। तालियां। हे कोमल हृदय, आज जबकि लोग अपने बेटों के लिए लाखों का दहेज मांगते हैं, लेकिन आप अपने इंजीनियर बेटे के ब्याह में एक महालक्ष्मी जैसी लड़की से केवल 4 लाख की घास खाने को तैयार हो गए हैं। मैं समझ रहा है। इसलिए उचित है कि इनको दीन जनोधन सम्राट कहा जाए। हे लोभ रहित, लड़की वालों के खर्च पर लोग अपने बेटों को रॉकेट में बिठाकर चांद पर भेजते हैं, लेकिन कृपा शंकर जी ने अपने बेटे के लिए केवल अमेरिका जाने की घूस मांगी है। इसलिए उचित है कि इनको दीन जनोधन सम्राट कहा जाए। हे देश प्रेमी, आज जबकि लोग अपने बेटों के लिए छुक छुक गाड़ियां, डबल डेकर बस और हवाई जहाज की मांग करते हैं, श्री कृपाशंकर जी अपने बेटे के ब्याह में केवल भारतीय एम्बेसडर कार से कीचड़ उछालते हुए आगे आना चाहते हैं। श्रद्धापूर्वक होटल मजदूर यूनियन, लीजिए। आप ही का है, रख लीजिए, वरना दीन जनोधन सम्राट की जी। दीन जनोधन सम्राट की जी। दीन जनोधन सम्राट की जी। He's better now. Thank you, doctor. See you. Thank you, doctor. नमस्ते जी। नमस्ते। आप रतन जी की बहन है ना? आप कृपा शंकर जी के बेटे हैं? जी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यानी कृपा शंकर जी के खानदान में कोई इंसान तो है? थैंक यू। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आपको। तुँ तुँ तुँ। पहले आपको नौकरी से निकालना चाहा, फिर मुझे दुनिया से,
जैसे कि हम मरी जाएंगे। इतना सब होने के बाद भी आप हंस रहे हैं? अरे आपको भी इसी तरह हंसते रहना चाहिए। इतना आसान है क्या? क्यों, कोई शादी की परेशानी? अब घर में कुछ नौकरी? अरे नौकरी की बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मशहूर वेटर हूं बहुत बड़े बड़े लोगों से। मिस्टर मेहरा, अच्छा याद आया। क्या? मिस्टर मेहरा अल्विन कंपनी के बहुत बड़े अफसर हैं। हो गई आपकी नौकरी? हो गई भाई, भाई। कुछ नहीं कुछ नहीं। देखिए पहले से आप मेरी वजह से काफी मुसीबत में हैं, और ऊपर से आप मुसीबत। अरे हम जैसे मर्दों की तो और भी पिटाई होनी चाहिए, इससे भी ज्यादा। ये क्या कह रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, इस मुल्क में जब तक लड़कियां ये समझे कि उनका पैदा होना ही बदकिस्मती है, तो हम जैसे मर्दों को तो सर उठाने का कोई हक नहीं। आ क्या सबक सिखाया आपने उसे, वाह। आप भी तो मर्द हैं, मेरी बात आपको भी बुरी लगी होगी। हाँ मैं भी इसी बाजार में हूँ, मेरा भाव भी 15-20 हजार है। अच्छा? हाँ, और अगर नानी पे छोड़ दूं तो ज्यादा में भी बिक सकता हूँ। छी 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 छी, कितनी शर्म की बात है। किसी भी नजरिए से देखिए प्रोफेसर साहब, खूबसूरती ही खूबसूरती है। मेरे बच्चे भी इसी खूबसूरती को देखते हैं भट साहब, लेकिन मेरे नजरिए से नहीं, मेरे बस में है या। अच्छा भट साहब, आप तो यहाँ के मालिक को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अगर आप उनसे कहकर किश्तों में कुछ रियायत, आई विल रियली बी थैंकफुल टू यू। अरे तुम हॉस्पिटल से कब आए? सर ये सच है कि आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया? हाँ मैंने तुम्हें डिसमिस कर दिया, क्योंकि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। आप तो झूठ भी ठीक से नहीं बोल पाते, इसका जिम्मेदार कृपाशंकर है ना? कोई भी हो, कहीं भी कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। लेकिन क्यों, मुझे पहले यह बताइए मैं नौकरी से निकाला क्यों किया? बोलिए, मेरे हाथ पांव तोड़े गए, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा सर फोड़ दिया गया, मैं फिर भी खामोश रहा, लेकिन पेट पर पड़ी इस लात को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रतन, मौत को भी कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता, मौत से भी एक बार लड़ा जा सकता है, लेकिन ये लोग मौत से भी बदतर हैं, और मैं ही क्या कर सका था। हाँ अगर रस्सी को सांप समझेंगे तो रस्सी भी डसने लगेगी। प्रोफेसर साहब, आप लोग जुल्म के सामने इसलिए सर झुकाते हैं कि सर उठाया तो कुचल दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का घर बार है, बीवी है, बच्चे हैं, मेरा कोई नहीं, मैं क्यों डरूं, मैं क्यों सर झुकाऊं? मैं तुमसे सर झुकाने के लिए नहीं, एक नए हौसले के साथ सर उठाने के लिए कह रहा हूं। लेकिन कैसे, कुछ ले जाने के बाद भी हाथों में चूड़ियां पहनकर? ये चूड़ियां हमने पहनी है, डरपोक हम हैं। देखो सुजाता के मामले में पढ़कर पहले ही उस दरिंदे को तुम काफी उकसा चुके हो, और अब उसके खिलाफ तुम कुछ भी। रतन, गीद और शेर से डरकर भेड़ पर ही हमला करेगा ना, सुजाता और भी मुश्किल में पड़ जाएगी। हां रतन, सिर्फ अपना ही मत सोचो। रतन, इस दुनिया के 1000 लोगों में से 999 कृपाशंकर हैं। एक कृपाशंकर के मिट जाने से ये बुराई नहीं मिट जाएगी, और हजारों में ऐसी सुजाता एक ही है जिसने अकेले ही समाज की इस गंदगी को हटा देने की कोशिश की है, और उसकी इस लड़ाई में मैं या ये या उसके मां बाप या कोई भी एक जवानी हमदर्दी तक दिखाने के काबिल नहीं है। रतन, अपने सीने की इस आग को उसके रास्ते की रोशनी बना दो, उसका साथ दो। Thank you.
बागों में खिले हैं कैसे कैसे फुलवा, बुलबुल क्यों नहीं। मेरी नौकरी चली गई मालूम है। गाना जो चाहे वो ला 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 ला, ला। बुलबुल कैसे गाए। बाग में खिले हैं कैसे कैसे फूलवा, बुलबुल क्यों नहीं गाए। हो बाग में खिले हैं कैसे कैसे फूलवा, बुलबुल क्यों बाग में खिले हैं कैसे।
आज का नहीं है भाई साहब। जब बीजी पैदा हुई थी तभी आपने उसे मांग लिया था कि अपने घर की बहू बनाएंगे, और आज आप अपने बेटे के लिए दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं। क्या ये ठीक बात है आपकी? आपके हिसाब से ठीक नहीं होगी भाभी जी, पर सुजाता ने जो घर आए मेहमान के साथ इस तरह सुलूक किया है उसका तो फल उसे भुगतना ही पड़ेगा। मैं तो गांव में सर उठाकर चलने के लायक ही नहीं रहा। मुझे ये बताओ चंद्र कि बड़ी के किए का फल छोटी को क्यों भुगतना पड़े? इसलिए भाई साहब, इसलिए क्योंकि वो छोटी बहन है। फिर ये बदनामी भी बहुत फैल रही है कि आजकल सुजाता का चक्कर किसी होटल बैरे के साथ है। सुजाता, सोच समझ कर बात करो। हाँ, आप बेशक रिश्ता मत कीजिए भाई साहब, मगर ऐसी कीचड़ मत उछालिए मेरी बेटी पर। क्या भाभी जी, मैं दुश्मन हूँ इस घर, बिना बात कीचड़ उछालूंगा? आज तो ये है कि आप लोग आंखें बंद किए हुए कैसे बैठे रहे जबकि इस बात का गली गली चर्चा हो रहा है। अच्छा, थैंक यू। अरे वाह, दरवाजे से ही लौटा रही हैं, कहीं चाय वाय ना? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सॉरी, आइए, प्लीज कम। अच्छा जी, अब चलता हूँ। अरे अभी तो आपने कहा कि आप चाय पी के जाएंगे। हाँ, मैंने सोचा चाय वाय में क्या रखा है, एक दिन आपके हाथ का बना हुआ खाना खा के जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए फिर कभी। नमस्ते। पापा, चंद्र ने विजी का रिश्ता तोड़ दिया। क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? आजकल किसके साथ घूमती फिरती है तू? कौन है वो बदमाश? एक लड़की के दिल को समझने वाला पहला आदमी, वो एक अच्छा आदमी है माँ। खामोश। सड़कों पर हमारी इज्जत उछालने वाला वो अच्छा है, समझदार है, और हम जो तुम्हारे लिए मरते जीते हैं बेवकूफ हैं, तुम्हें नहीं समझते क्या? क्या यही अब तक समझाया तुमने हमें? पापा, मैंने ऐसा कोई काम किया है जिससे आप पर दाग आए, और आज कोई और आकर कुछ भी कह दे आप मान लेंगे? अच्छा ही हुआ मैं कोई और हो गया, इज्जत तो बच गई। आप पड़ गई ठंडक तुझे? यही चाहती थी ना तू कि तेरे साथ साथ विजी की भी जिंदगी बर्बाद हो जाए, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहे? इस सब से इसे क्या, अब तो ये बड़ी हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, समाज में तो इसे रहना नहीं है, लेकिन हमें तो समाज में रहना है, निभाना है। लेकिन पापा, मैंने ऐसा क्या किया? अब करने को बाकी ही क्या रहा, जो कुछ भी तुम कर चुकी हो, क्या हमारा चैन हराम करने के लिए वो काफी नहीं है? ठीक है पापा, मेरी ही वजह से विजी की शादी नहीं होगी, आपका समाज आपसे छिन जाएगा, और आपको तो समाज में रहना है, निभाना है, तो फिर मैं ही चली जाती हूं। सोच लिया, और कोई रास्ता नहीं। सबके सुख चैन के आगे और कोई रास्ता नहीं होता। मुझ पर भरोसा है। आओ। Thank you.
मॉर्निंग सर। आई सी। ये लोग, ये हमारा अल्विन का हीरो ना साहब। आई सी। मेरा साहब से मिलने को आए साहब। आई सी। नमस्ते साहब, नमस्ते। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आई सी। नौकरी की बात करना चाहता हूँ। आई सी। वो तो फॉरेन गए हैं। तुम फिक्र मत करो सुजाता, नौकरी जरूर मिलेगी। हाँ आओ, आओ ना। तुमने तो कहा था कि वो जवान हैं, दोनों अकेले हैं, सामान भी कम है, अचानक ऊपर से कहाँ धमके हैं। अरे इसी में तो सारी गड़बड़। गंभीरता है, कठिनाइयां है, मुसीबतें है, मुश्किलें है, तो आखिर बात क्या है? बात जरा कानूनी है, बताता हूँ। देखो, अगर लड़का लड़की को भगाकर लाया है तो एलोपमेंट का केस है, और अगर लड़की लड़के को भगाकर लाई है तो एंटाइसमेंट का केस है, और अगर लड़की शादीशुदा है तो अडल्ट्री का केस है, और अगर लड़का शादीशुदा है तो कुछ है मगर केस है। आप अपने सारे केस वेस सूटकेस में बंद रखिए। आप वकीलों को कोई भला आदमी भी नजर आता है? कोई भला हो तो नजर आए ना, लड़के का लड़के। मुक्किल आ गया है, आइए आइए आइए। मुक्किल नहीं, मुलजिम है, वही जो ऊपर आता है। ए मिस्टर, हु आर यू? आई एम रतन। हु शी? शी सुजाता। व्हाट आर यू बोथ? आई एम रतन एंड शी सुजाता। आई मीन टू से के व्हाट आर यू बोथ? हम इंसान हैं। As human as you are, and as cultured as you are, maybe both. And if you put this stupid question once again to your wife, or entertain any bad thoughts about us, the consequences will be drastic. Anjaam bahut bura hoga. Cultured hai, padha likha hai. Kyun? Jo padhe likhe nahi hote, wo cultured nahi hote. Badmash hote hain. I never said this. मैंने ये नहीं कहा। मेरा मतलब था कि आजकल बहुत मुश्किल है ये पहचानना कि शरीफ आदमी कौन है और बदमाश आदमी कौन है। आजकल दिन ही खराब है। दिन खराब नहीं, दिमाग खराब है। लड़का लड़की को साथ क्या देख लिया, बस उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। क्या समझते हैं आप सुजाता को? मालूम है कौन है? एक अच्छे घर की लड़की है, इज्जतदार है, हाईली एडुकेटेड, डबल एमए, और मैं उसका एक दोस्त हूं, जस्ट वेल विशर। कभी फुर्सत हो तो उसकी कहानी सुनाऊंगा आपको, हो सके तो मदद कीजिएगा, लेकिन ये बकवास करना बंद कर दीजिए। अच्छा लड़का है। त्वं वैष्णवे शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तयेतः त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः। खाली दीवार की आरती कर रही हैं, मुझसे कह दिया होता मैं भगवान की मूर्ति ले आता। मूर्ति की क्या जरूरत है, जहाँ भावना हो वही भगवान। बड़ी समझदार हैं आप, इसलिए भगवान को हर जगह पहचान लेती हैं। ये पहचान पहले नहीं थी, अब हो गई है। घर से बेघर हुई एक लड़की के लिए हर बुरी नजर से बचाने वाला एक भला मानुष और क्या होगा। ये क्या कह रही हैं आप? कहीं भगवान ने सुन लिया कि आप एक वेटर को उनसे मिला रही हैं, तो जानती हैं क्या होगा, बहुत नाराज हो जाएंगे। मेरे को कुछ से कुछ नहीं है, ऐसे ही। आप भी चौके छोड़कर बाहर आ जाइए, नहीं तो उनसे पहले मैं नाराज हो जाऊंगी। देखिए आप घबराइए मत, मैं अच्छा खासा खाना बना सकता हूँ। 4 साल होटल में काम किया है मैंने। आप आइए, बैठिए, आइए आइए ना, प्लीज आइए बैठिए। देखिए ये नाजुक हाथ चूल्हा झोंकने के लिए नहीं,
एक अफसर बनकर दस्तखत करने के लिए बने। जब बनूंगी तब देखा जाएगा। अरे वाह, क्यों नहीं बनेगी और कैसे नहीं बनेगी? आलीशान बंगला होगा, बहुत बड़ा दफ्तर होगा, गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर होंगे। लेकिन बावर्ची मत रखिएगा, अगर 150 रुपया ज्यादा भी देना पड़े ना तो मुझे रख लीजिएगा। दिल से काम करूंगा, सच। वाह, क्या धुन बदली है, डिस्को से लहरे। ला 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 लहरे। क्या अंदर से नहीं बाहर से? ये रुमाल आपका है? अगर आपका नहीं तो मेरा है। तो लीजिए। नो प्रॉब्लम। लगता है पहले भी आपको कहीं देखा है। भूल गए आप? आपके बड़े भाई मेरी बड़ी बहन को देखने घर आए थे ना? हाँ। उनके साथ आप भी आए थे ना? हाँ। और वहाँ हमने एक दूसरे को देखा ना? आई विज जी, आई विज जी। सुनिए आप अभी तक सोई नहीं? 8 बजे सोते हैं। नहीं सोते तो फिर क्या करते? खाना खाते। खाना तो खा चुके हैं। चुके हैं। फिल्म देखने जाते? पैसे तो नहीं हैं। नहीं हैं। बच्चे होते तो कहानियाँ सुनते। हम बच्चे तो नहीं हैं। नहीं है, बड़े हैं। तो बड़े क्या करते? पढ़ते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहा हूँ। ये ची 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 ची, गंदी किताब। इम्तिहान सर पे है और आप ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं? समगमग आहा ला ला ना 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 ना। अच्छा बाबा अच्छा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। La 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 तुमको है प्यार माना इस दिल का यार माना दुश्मन होगा जमाना तो भी क्या है तुमको है प्यार माना इस दिल का यार माना दुश्मन होगा जमाना तो भी क्या हम तो
तुमको है प्यार माना, इस दिल का यार माना, दुश्मन तो का जमाना तो भी क्या। ब्यूटीफुल थैंक यू। क्या 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 व्हाट हैपेंड? क्या ये हम लोग क्या कर रहे हैं? इस तरह अकेले में मिलना, घूमना फिरना समुद्र के किनारे, पहाड़ों पर, घोड़े पर भी गाने गा रहे हैं, और हमारे मम्मी डैडी को पता भी नहीं। कमाल है, गाने भी क्या मम्मी डैडी से पूछकर गाए जाते हैं। अरे अब हम तो शादी करेंगे। नो बस, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? तुम्हारे डैडी को पता चलेगा तो उनका दिल रुक जाएगा। डैडी को दो बार दिल के दौरे पड़ चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। ओफो बाद, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे डैडी दहेज मांगेंगे और मेरे पापा दे नहीं सकेंगे। अब देखो ना, दीदी ने सही या गलत जो भी किया, उसका नतीजा मेरे मम्मी और पापा आज तक भुगत रहे। मैं उनका दुख और नहीं बढ़ा सकती। हमारा मिलन भी ऐसा ही। विजी, 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 मुझे छोड़कर मत जाओ। आई लव यू। थैंक यू बस, आई लव यू टू। लेकिन तुम्हारे डैडी, दहेज वगैरह वगैरह। देखो, मुझे विजी चाहिए। डैडी हो न हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। काश ऐसा ही हो। इस पैसे की लालच में क्या क्या अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। पढ़ने को भी दिल नहीं चाहता। हर रोज एक नई कहानी, एक नया जुल्म और एक नई तबाही। ये देखो, for dowry।
उषा द लेटेस्ट डाउरी विक्टिम। इनिशियली दे स्टार्टेड हरासिंग फॉर रुपीज 25,000 फ्रिज एंड हाउसहोल्ड आर्टिकल्स एज डाउरी। ये सब वो नहीं ला सके इसलिए उसके पति ने उसे गोली मार दी। और देखो, बेटर डेथ देन माय इन लॉस नैगिंग। स्कोर्स ऑफ ब्राइड्स बर्न टू डेथ द डाउरी स्कॉज। ये शादी के पहले, ये शादी के बाद, देखो कैसे चला दिया। ये तो गंदा घिनौना कोड फैला हुआ है पूरे समाज में। अब मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। खौफ, अगर घास चले गई है क्या? किसने दिमाग खराब किया है तुम्हारा? इश्क, मुझे मत रोकिए डैडी। आई लव हर। क्या बक रहे हो? 20 साल से गधे की तरह चढ़ा चढ़ा कर इतना बड़ा किया, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, रुपया खर्च किया, और अब तुम उस कंगाल जगन्नाथ की बेटी से शादी करोगे? कानी कौड़ी भी नहीं मिलेगी वहां से। इसी कानी कौड़ी के चक्कर में भैया को बर्बाद कर दिया आपने। बट आई एम नॉट भैया, आई एम व्हाट आई एम, दैट्स ऑल। नो आर्ग्यूमेंट्स। अलावा लवर, ये अंग्रेजी लफ्ज को क्या करोगे, चाटोगे? कृपा शंकर जी, कल मेरे लड़के का नामकरण है, क्या नाम रखूं? गिली डंडा कर। अगर ये शादी हुई तो गली गली डिब्बा लेकर भीख मांगनी पड़ेगी तुम दोनों को। लेकिन जब तक आप जिंदा हैं, हम भी क्यों मांगेंगे? इस जायदाद में मेरा भी हिस्सा है। हिस्सा मांग रहे साहब? सुना सुना, क्या कहा तुमने? कृपा शंकर से हिस्से विस्से की बात करने? देखो, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो सारी जायदाद जानवरों के अस्पताल को देकर मैं दिवाला निकाल लूंगा, समझे? जिस वक्त ये जायदाद जानवरों के अस्पताल में पहुंचेगी, उसी वक्त आप पागलखाने पहुंचाएंगे। पागलखाने तक पहुंच गए साहब जी? सुना सुना, और सारे अखबारों में ऐलान करवा दूंगा कि मेरे डैडी पागल हो गए हैं। अखबारों में ऐलान करोगे? दीवारों पर पोस्टर भी लगवा दूंगा। पोस्टर भी लगाओगे? बिकॉज़ आई लव हर। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? वो जा रहा है। छोटे बाबू, छोटे बाबू। क्या है? जरा सोचिए, जिस पल से इस धरती पर आप एक लड़के के रूप में उतरे, उसी पल से आपके पिताजी केवल आपके दहेज पर ही सांस ले रहे हैं। अब तो आपको MBBS भी पढ़ा रहे हैं, जिस तरह पौधे में खाद डालते हैं ना, ताकि ज्यादा फले फूले। बिना दहेज के शादी करके आप ये सब फल फूल चील कौओं को सौंप देंगे? नहीं नहीं नहीं, एक बार अपने पिताजी की हार्दिक पीड़ा को तो समझिए। मिस्टर खरखरे जी, दहेज का लफ्ज अगर दोबारा मुंह से निकाला, हाँ, तो मैं पुलिस पे कंप्लेंट कर दूंगा। नहीं? यस, और आप दोनों जेल में बंद हो जाएंगे। हम दोनों को जेल तक ले जाएंगे साहब जी। अरे हाँ, ले जाएंगे ले जाएंगे। मैं भी देखता हूँ मेरी इजाजत के बिना कैसे शादी होगी। टाउन हॉल में होगी, और शादी के बाद इसी घर में लेके आऊंगा, बिकॉज आई लव हर। मारूंगा एक झापड़, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। मैं लंगड़ाता लंगड़ाता समुंदर के किनारे जाऊंगा और छलांग लगा दूंगा। लहरे ही लहरे और लाश नहीं। आप रोएंगे, बद्री बद्री, लेकिन कौन सुनेगा? मर गया बेचारा बद्री। या फिर छत पर जाकर बीसे माले से, वो वहां से नीचे कूद जाऊंगा। खून का तालाब और मेरी लाश। आप रोएंगे, बद्री 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 बद्री, लेकिन कौन सुनेगा? बेचारा बद्री तो मर चुका है। बद्री, या फिर रेल की पटरी पर अपना सर रख दूंगा। देखिए, वो इंजन आ रहा है। सर अलग, पैर अलग, बीच का हिस्सा बीच में। आप रोएंगे ना? दुष्ट, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे दुख दे रहा है? दुख आप दे रहे हैं मुझे, इसीलिए मैं लिखकर जा रहा हूं। मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे डैडी हैं। ये है चिट्ठी और ये है कॉपियां। हर थाने में एक एक देकर आऊंगा, और उसके बाद आप मेरा जनाजा तैयार कीजिए। ये जनाजा मांग रहे हैं साहब जी? अरे तू मेरा जनाजा क्यों निकाल रहा है? चुप करना। छोटे 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 छोटे, तू समझता क्यों नहीं? मैं ये नहीं कर सकता। चार दिन पहले मैं उन लोगों को गालियां सुनाकर आया हूँ, आज कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा उन लोगों के घर? यही मुंह लेकर जाएंगे डैडी, वरना ये चिट्ठियां
आत्महत्या, पुत्र शोक, 20 साल जेल की चक्की, बिकॉज आई लव हर। ऐसा मत घूमिए साहब जी, फौरन जाइए, लौकर जावा, नहीं तो एक प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस। मेहनती और ईमानदार लड़का है ये अपना रतन। थैंक यू। आपके बारे में मुझे उसने सब कुछ बता दिया। बड़े शर्म की बात है कि आजकल के पढ़े लिखे और समझदार लड़के भी दहेज की लाने से छूट नहीं पाते। आई लाइक व्हाट यू हैव डन। आपने जो कि अच्छा ही किया, कांग्रेचुलेशंस। ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिस सुजाता। आई एम सॉरी। अब से हमारी सेल्स प्रमोशन और मार्केटिंग डेवलपमेंट में आप हमारी मदद करेंगे। ओह थैंक यू सर। क्यों रतन, आप तो खुश हो? जी बहुत खुश हूं। थैंक यू सर। मैं सुजाता। यस सर। वॉच कंपनी में काम करते हुए वक्त को अपने साथ रखिए। थैंक यू सर। मिस रेडी, मिस सुजाता को उनका कैबिन दिखा दीजिए प्लीज। इज इट ओके मैडम? सुनिए, आप जरा मिस्टर रतन को बुलाइए। वो कैंटीन वाला? आपने बुलाया मैडम? ये मेरा कमरा है। मैं इस कंपनी की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूं। ये तो शुरुआत है। मैंने कहा था ना, बड़ा बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे, गाड़ियां होंगी। लेकिन लेकिन मैडम, बावर्ची मुझे रखिएगा। ऐसे मत कहिए प्लीज। आपने जो कुछ भी किया, नहीं मैडम, मुझे अंदाजा भी नहीं था विजी कि लड़की का घर से निकल जाना कितने बड़े संकट की बात हो सकती है। अगर रतन जी मुझे सहारा ना देते तो भगवान जाने क्या होता, क्या ना हो जाता। अरे, आज समझी हूं कि वो क्या है। इस जन्म में तो क्या, 7 जन्म लेकर भी उनके उपकार का बदला नहीं चुका पाऊंगी। अच्छा, मामा पापा कैसे हैं? कभी याद भी करते हैं इस अभागी को या नहीं? उन्हें मेरा चरण स्पर्श कहना, अगर वो लोग स्वीकार कर लें। बस पापा, क्या आप दीदी से अब तक नाराज हैं? क्या मतलब? ये खत पढ़ लीजिए। इसे आप बाद में पढ़ लीजिए। क्या हुआ? एक तो अपने आप आ रहे हैं, ऊपर से ये शगुन। जानती नहीं साहब जी, म्युनिसिपैलिटी के कॉर्पोरेटर हैं। हटो हटो। सलाम साहब।
नमस्कार। नमस्कार नमस्कार छोड़िए, मैं सिर्फ दो शब्द बोलने के लिए आया हूँ, बोलूंगा जाऊंगा। आ क्या? आप मेरे छोटे बेटे बद्रीशंकर को जानते हैं? जी हाँ। लेकिन मैं आपकी छोटी बेटी विजी 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 हाँ विजी विजी को बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मगर बद्रीशंकर कहता है कि वो उसे पहचानता है और इसका अंजाम। तुम क्यों अड़ियल टट्टू की तरह खड़े हो यहाँ, बात करो ना। जी देखिए साहब जी, आप ये मत समझना कि हमारे साहब जी किसी मजबूरी की वजह से यहाँ आए। ये ठीक है कि छोटे बाबू ने ये धमकी दी है कि अगर आपकी छोटी बेटी से उनकी शादी नहीं हुई तो वो जहर खा ले। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साहब जी गिड़गिड़ाने या हाथ जोड़ने के लिए आपके पास आए। नहीं नहीं, वो तो बच्चों की खुशी चाहते हैं, इसीलिए चार सीढ़ी नीचे उतर कर खुद चल कर। सीढ़ी से उतरना, कुएं में गिरना, ये सब क्या बकवास है? देखिए जगन्नाथ जी, मेरा बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल डॉक्टर लड़के की कीमत 5 लाख से कम नहीं होती। फिर भी लड़के लड़की की खुशी देखते हुए मैं एकदम से 2 लाख कम करने के लिए तैयार हूं। साहब जी एक सीढ़ी और उतर जाइए। छोटे बाबू आत्महत्या, पुलिस, खून। ठीक है मैं और 30,000 कम कर देता हूँ, मगर और मत बोलिएगा और तू भी चुप कर। जी नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते। पता नहीं मुझे ऐसे वक्त पे कुछ बोलना चाहिए या नहीं। चाय लीजिए। लेता हूँ रख दो। जी ये तो आप जानते ही है बाबूजी कि मेरे पापा के पास ज्यादा रुपए नहीं, लेकिन दीदी की शादी के लिए गाँव की जमीन जायदाद बेचकर जो पैसा इकट्ठा किया था उसमें से सिर्फ 40,000 बचे हैं। आप चाहे तो वो ले सकते हैं। क्या 40,000? 40,000 में तो आजकल बीए फेल क्लार्क भी नहीं मिलता। मेरा बेटा एमबीबीएस कर रहा है, और ये भी मत भूलो कि वो कृपा शंकर का बेटा है। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ बाबूजी, मगर हम इससे ज्यादा दहेज नहीं दे सकते, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप अपने बेटे के लिए कोई दूसरी लड़की देख लें। ठीक है चलो। डैडी बैठो और फैसला करो, नहीं तो खुदकुशी है मेरा रास्ता। मैं जा रहा हूँ, मर जाऊंगा और पुत्र शोक से आप भी मर जाएंगे। चलना नहीं साहब जी? नहीं, नहीं नहीं, इस लड़की की हालत देखकर तुझे कुछ दया नहीं आती। सुनिए सुनिए जगन्नाथ जी सुनिए, आप ऐसा कीजिए मुहूर्त का समय 40,000 दे दीजिए और बाकी के लिए एक हलफनामा यानी कि प्रॉमिसरी नोट लिख दीजिए, वो बाद में आराम से चुकाते जाइएगा। क्षमा कीजिएगा बाबूजी, मगर ये मुमकिन नहीं। ओफो, एक तरफ से ये बापूजी करती जाती है और एक तरफ से कुछ तय नहीं करने देती। डैडी मैं जा रहा हूँ, मर जाऊंगा। चालीस हजार ही सही, मैं मान गया, मगर वो गाड़ी के बारे में जरा मुश्किल है जगन्नाथ जी। गणेशलाल जी तो सगाई में ही मर्सिडीज देने के लिए तैयार हो गए थे। उन बेचारों को आपके बेटे की पसंद का क्या पता है बाबूजी? आपके बेटे को उस पुरानी गाड़ी से बहुत लगाव है जो आपने उन्हें दी थी। आपने चाय नहीं पी? मर्सिडीज। अच्छा, अगर रस्म के लिए कुछ देना ही जरूरी है तो एक साइकिल दे देंगे। मामूली साइकिल की मोटरसाइकिल? मामूली साइकिल, पैडल वाली। अच्छा, मामूली साइकिल पैडल वाली दे रहे हैं। चुप, ये रिश्ता नहीं हो सकता। डैडी, मेरी भयानक मौत और आपका पुत्र शोक। खड़े, क्या हुआ साहब जी? ये नालायक तो मेरा दिल कुचल रहा है। तुम इन कसाईयों से कम बद्री के अमेरिकन ट्रिप के बारे में तो बात कर लो। मैं? हाँ। बाबू जी, आप नहीं जानते आपके बेटे को अपने देश की मिट्टी से कितना प्यार है। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर वादा किया था कि अपने देश के बाहर कभी नहीं जाएंगे, इतने देशभक्त है वो। फिर भी अगर आप पढ़ाई के लिए उन्हें बाहर कहीं भेजना ही चाहते हैं तो हरिद्वार भिजवा देंगे, तीर्थ का तीर्थ हो जाएगा और गुरुकुल का गुरुकुल। ये भी ठीक है, वो हरिद्वार भेजने की बात नहीं, नहीं, आपने सुन लिया। समझ रहा हूं, मैं सब समझ रहा हूं। उस नालायक की वजह से मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। जब अपना ही सिक्का खोटा है तब दूसरे किसी को क्या दोष दूं। अब आप समझ गए ना, मेरा कोई दोष नहीं,
तो आशीर्वाद दीजिए। दे दीजिए आशीर्वाद छोटे बाबू। आशीर्वाद देता हूँ। बहुत अच्छे, सब ठीक है, सब ठीक है। ये सब क्या है बेटी? आप भी आशीर्वाद दीजिए। क्या देख रही हैं आप? देख रही हूँ इनमें से कौन अपना सा लगता है। लगा कोई? लग जाएगा। वैसे आपने बड़ी देर कर दी। हाँ देर हो गई, आपकी पसंद की चीज ढूंढ रहा था ना। मेरी पसंद आप जानते हैं। क्यों नहीं, इतने दिनों से आपके साथ हूँ, अब भी नहीं जानूंगा क्या? मुझे तो नहीं लगता कि आप जानते हैं। हाँ? क्या 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 कहा आपने? मैं नहीं जानता। हा? ये देखिए। अच्छा तो यह है मेरी पसंद। और क्या, आप जब पहली बार होटल में मिली थी तब भी तो यही पसंद किया था आपने। तब तो मैं आपको जानती भी नहीं थी। अब तो जानती है ना बहुत अच्छी तरह। तो फिर इसी बात पर आपको सब कुछ खाना होगा, नरमा नरम है, गर्मा गर्म है, ताजा। लेकिन बात क्या है? पहले मुंह मीठा कर लीजिए फिर बताऊंगा, क्योंकि बात बहुत मीठी है। इससे मीठी और क्या हो सकती है? आपने मुझे नौकरी दिलवाई, सहारा दिया, घर भी तो बसाएंगे आप जी। वो मिस्टर मिस्टर मेहरा कैसे लगते हैं आपको? भले आदमी हैं, इज्जत से पेश आते हैं। तो पसंद है ना आपको? आपने तो कहा था कि आप मेरी पसंद जानते हैं। इस दिल ने सोचा है जो सच वो ही हो जाए तो ला 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 ला। इस दिल ने सोचा है जो सच वो ही हो जाए तो la 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 la। इस दिल ने सोचा है जो सच वो ही हो जाए तो।
खुशी मिलके कहीं खो जाए। पतझड़ में भी महके बहारें दिल के तराने जहां गाए। इस दिल ने सोचा है जो सच वो ही हो जाए तो ला 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 ला। इस दिल ने सोचा है जो। ये तो ठीक है रतन, लेकिन एक बार मैं सुजाता की खुशी जान लेते तो बेटर ना। जो खुशी अचानक मिले उसी में ज्यादा खुशी होती है ना। अच्छा तो फिर ये खुशी अचानक ही होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। कहाँ बस चंदा कहाँ है कमलनी चाँद के दूरी मैं मिटाऊं। ला 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 ला। दोनों के मन जो प्यार से बांधे मैं वो किरण बन जाऊं। दिल ने सोचा है जो सच वो ही हो जाए तो ला 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 ला। इस दिल ने सोचा है जो। मैं जान गया, एक अच्छा आदमी जिसे तुम मन से चाहती हो वही तुम्हारा जीवन साथी बन जाए, यही मन्नत मांगी ना भगवान से? हाँ, एक अच्छे आदमी जिन्हें मैं मन से चाहती हूँ जो मेरे जीवन साथी बन जाए, यही मन्नत मांगी है भगवान से। फूल चढ़ाए शाम सिंदूरी सपनों से उसकी मांग कुंवारी भर जाए। इस दिल ने सोचा है जो सच वो ही हो जाए तो ला 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 ला। इस दिल ने सोचा है जो सच वो ही हो जाए तो इस दिल ने सोचा है।
बहू चाय बना रही हो क्या? जी बाबूजी, वो उठने में थोड़ी देर हो गई थी, अभी बना देती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलाते हुए पल्लू जल गया क्या? कृपा शंकर का बेटा MBBS लड़का 40,000। क्या हुआ? मेरे बच्चे, मेरी बीजी। क्या हुआ बीजी को? कृपा शंकर जी उसको मार डालेंगे, उसकी जान ले लेंगे। अरे तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। सो मुझे मुझे कृपा शंकर जी के यहाँ ले चलिए, मुझे मुझे बीजी को अपनी आँखों से देखना है। ठीक ठीक ठीक, ये औरत को दहेज की नहीं चला दिया साहब, हमारे गांव में। चुप रह, अपना काम कर। डैडी, विजी को देखा आपने? रसोई में चाय बना रही है, क्या बात है? वहां नहीं है, वो घर में कहीं नहीं है। फिर कहां गई? बद्री, क्या विजी घर में नहीं है? जी नहीं बाबू जी। कैसे होगी, मैंने कहा था ना आपसे, मार डाला मेरी बच्ची को इन्होंने, मार डाला। हम दहेज न दे सके इसलिए जिंदा जला दिया मेरे बच्चे को। अरे खत्म करके जाओ। जी कृपा शंकर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी कहाँ है। कहाँ है मतलब? यही कहीं होगी घर में, और कहाँ जाएगी? तो बुलाइए उसे। बुलाएंगे कैसे, खुद ही तो आग लगा दे उसे इस राक्षस ने। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? यही हुआ होगा बेटा, मेरा शक तो ठीक ही निकला। अब आप खामोश क्यों है, जवाब दीजिए। अरे क्या है सब? चुप, ये लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तुम भी साथ दे रहे हो। मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे डैडी, क्या किया आपने मेरे विजी को? सुना सुना खड़खड़े, सुना, बिना दहेज के इनकी बेटी को मैं अपनी बहू बना के घर लाया था, उसका एहसान तो रहा एक तरफ, ऊपर से इन लोग मुझ पर लांछन लगाने को आए हैं कि मैंने इनकी बेटी को कुछ कर दिया, आग लगा दी, कुएं में धकेल दिया। ऐसा कभी होता है कहीं? होता है साहब जी, जब मुंह मांगा दहेज नहीं मिलता है तो लोग ऐसा भी करते हैं, इनका सोचना कुछ गलत नहीं है। कृपा शंकर जी, मार डालूंगा दोबारा बोला तो। क्या, कहां ले जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो? अचानक कैसे चली आई? सोचा अचानक ही आना चाहिए तो चली आई। चल को दिया। चल अंदर चल, बदमाश की। कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी शांति, कितना सुकून। मामा पापा ठीक है ना विजी? बिल्कुल। सच दीदी, तुम बहुत खुशनसीब हो। यूं तो दोस्ती होती है, रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं, लेकिन देख रही हो कितनी बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ये किस लिए? बताती हूँ बाद में, पहले आशीर्वाद दीजिए। आइए। आशीर्वाद? खुश रहो और खूब पढ़ो लिखो। पढ़ाई लिखाई जो होनी थी हो चुकी, अब तो फलने फूलने की बात कीजिए। कहिए अखंड सौभाग्यवती भव, दूधो नहाओ पूतो क्या। देखो तुमने शादी कर ली। मामा पापा को मालूम भी है या नहीं? हाँ हाँ मालूम है, आशीर्वाद भी दिया है। और रतन जी, आप जानते हैं मेरे ससुर जी कौन है? दीन जनोद्धरण सम्राट जी। कृपा सच? इंजीनियर जी नहीं, छोटे जी, MBBS। लेकिन विजी, कृपा शंकर जी का कोई भरोसा नहीं है, वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं विजी। नहीं दीदी, कोई ससुराल वाले किसी लड़की का बाल भी बांका नहीं कर सकते, अगर उसका पति उसके साथ हो। क्यों रतन जी? वो छोटे जी तो तुम्हारे साथ है ना। तो फिक्र मत कीजिए, आपने चाटा मारा दाएं में, इसने मारा बाएं में। साहब जी, ये रजिस्टर्ड लिफाफा आया है। ये क्या है? ये किसी वकील ने भेजा है, विठल राव BA LLB। डिग्री छोड़ो, चिट्ठी पढ़ो। नोटिस है साहब जी, श्री कृपा शंकर पांडे बल दया शंकर पांडे आप ही के नाम है। मेरे नाम? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इनको और पूछिए कि मेरी बेटी कहाँ है। मिस्टर कृपा शंकर। इंस्पेक्टर, ओ साहब जी, बहू रानी जिंदा है। क्या? बहू रानी? क्या बहू रानी जिंदा है, उन्होंने ये नोटिस दिया है। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कीजिए, ले जाइए जेल, जाओ जेल जाओ। साहब जी, इस नोटिस से तो लगता है कि गिरफ्तारी हमारी होगी। क्या बकते हो? मैं नहीं, ये विठल राव वकील। आपने अपने छोटे बेटे
श्री बद्री शंकर पांडे को मेरी मुवक्किला श्रीमती विजया रानी के हाथ बेचा है। ये क्या बेहूदगी है? क्या मैंने अपने बेटे को बेचा है? वो जगन्नाथ जी से 40,000 रुपए लिए थे। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। पूरी रकम मिल जाने के बाद भी आपने माल हमारे हवाले नहीं किया। इसलिए आपको ताकीद की जाती है कि आप 24 घंटे के भीतर भीतर श्री बद्री शंकर पांडे को हमारी मुवक्किला श्रीमती विजया रानी के सुपुर्द कर दें, वरना मजबूरन हमें आप पर सिविल और क्रिमिनल कार्यवाही करनी पड़ेगी। BALLB विट्ठल राव। रतन, तुमने वो कहावत तो सुनी है कि शादी ब्याह के संजो ऊपर से तय होकर आते हैं? यस सर। तुम भी ये बात मानते हो ना? सर, आप मानने की बात कर रहे हैं? मैं तो आंखों से देख रहा हूँ। सुजाता मेम साहब के माता पिता ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उनकी बेटी के लिए उन्हें इतना अच्छा वर मिल जाएगा। सर हाँ, इसलिए मैंने उन्हें तार भेज दिया है। आखिर उनकी बेटी की शादी है भाई, उनका आशीर्वाद भी तो जरूरी है, कल कोई शिकायत न रहे। इसे यहाँ रख देना। सर, आपने तार भेज दिया, मैंने सोचा था कि आप लोगों की शादी के बाद उन्हें मैं सरप्राइज देता। अरे विजय! नमस्ते बाबू। विजय, विजय, चल दिया मुंह उठाकर। बेटी माँ, तुम कैसे हो? शुक्र है, मैं कितनी परेशान थी। विजय, ये कोई तरीका है? बगैर खबर किए तू चली आई, हम लोग कितने परेशान थे। हाँ, परेशान जैसे परेशान। तुमने इन्हें परेशान किया, इन्होंने इन्हें परेशान किया, और इस परेशानी में मैं परेशान हूँ। इस नोटिस का क्या मतलब है? माँ, तुम अंदर जाकर आराम करो। आइए। मतलब कहेगा बाबूजी, देखिए ये शादी तो कोई आपकी मर्जी से करवाई नहीं गई थी, मजबूरी में करवाई गई थी। तो क्या तू नोटिस देगी? और क्या देगी? अगर आप सीधी तरह नहीं समझेंगे तो और क्या करेगी? ये तुम्हारे ससुर हैं? जी। जीते रहो। ये मेरे पिताजी हैं? जीते रहो। और ये मेरे वो? जीते रहो। अच्छा, तो विजय की तरफ से नोटिस भेजने वाले वकील आप हैं? जी हाँ, विट्ठल राव कहते हैं मुझे। विट्ठल राव, भूल जाओ। आप मुझे बेशक भूल सकते हैं, लेकिन कानून आपको कभी नहीं भूल सकता। पिछले साल मैंने एक दहेज लेने वाले ससुर का मुकदमा लड़ा था। 1 साल से कानपुर की जेल में चटाई बुन रहा है। बाय द वे, आपको चटाई बुननी आती है? ये क्या बकवास है? क्या उल्टा पुल्टा कानून बता रहे हैं आप? ये कोई रिवाज है? लड़का लड़की के घर जाकर रहेगा? आप सीधी तरह मेरे बेटे को वापस भेजिए, वरना मैं आप पर केस कर दूंगा। तो फिर क्या, कानपुर में जाकर जेल में दोनों इकट्ठे चटाई बुनेंगे? पॉइंट ये है कि जब लड़की वालों ने आपके लड़के की कीमत अदा कर दी, तो फिर लड़के को क्यों भेजें? कीमत? हाँ हाँ, दहेज, दहेज लिया नहीं आपने? आप मुझे बताइए, दहेज लिया या नहीं? 40,000 रुपया भी कोई दहेज होता है? सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था ना? एक MBBS लड़के के लिए 40,000 भी कोई दहेज होता है? पतीला भर पुलाव में 1 चम्मच भर नमक भी नहीं हुआ। देखिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए 1 चम्मच नमक भी जहर होता है। दहेज लेना 1 जुर्म है और झूठ बोलना दूसरा। अब चटाई के साथ साथ आपको टोकरी भी बुनना पड़ेगी कानपुर में। बाय द वे, आपको टोकरी बुनना आती है? क्या बक रहे हो? अपना दिमाग का इलाज करवाओ। बकायदा मैंने अपने बेटे की शादी कर दी इस नालायक लड़की के साथ। इन्होंने कन्यादान किया है। दान क्यों कहते हैं आप? ये क्यों नहीं कहते कि आपने अपना बेटा बेचा है 40,000 रुपए के लिए, और आप उसे वापस ले जाना चाहते हैं? फिर वही बात? वही बात नहीं, जरा आप ठंडे दिल से दिमाग से सोचिए कि अगर आप गाय बकरी खरीदते हैं, तो खरीदने के बाद उसे दुकानदार के पास छोड़कर नहीं आते, बल्कि घर ले आते हैं। क्या हम तुमको गाय बकरी नजर आते हैं? और आप जब जगन्नाथ के घर उसकी बड़ी लड़की का मोल भाव करने गए थे, उस वक्त वो आपको क्या नजर आए थे? इंसान या जानवर? शर्म मानी चाहिए तुम्हें, ये रिश्ता किया था? चलो। मुझे चटाई और टोकरी बुनना नहीं आती बाबूजी। क्या बकते हो? वकील साहब से सुनकर भी आप नहीं समझे? आपका बेटा होने के नाते आपके किए की सजा मुझे तो भुगतनी ही पड़ेगी, और बाकी जिंदगी विजय के पास रहकर इसकी सेवा में गुजारनी ही पड़ेगी। नमस्ते बाबूजी। छी, मेरे एक ही बेटा है, क्या आ
जगन्नाथ जी, आप रतन को गलत समझते थे ना, उसी रतन ने आपकी बिटिया को गुड़िया की तरह रखा, देवी समझ कर देखा। आज इस गुड़िया की शादी वो इतने बड़े घराने में कर रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। बेटी, मैं बाप हूं, पागलपन में थप्पड़ भी मार सकता हूं ना। आओ रतन आओ। आप लोग यहां? तार वक्त मिल गया था ना? तार? हम तो यहां किसी और काम से आए थे, लगता है बहाना था। रतन, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जगन्नाथ जी, चलने का वक्त हो गया। विजय रेडी। जगन्नाथ जी, सर आपके मुंह से निकली हुई बात सच हो गई। सुजाता जी के माता पिता तार मिलने से पहले पहुंच गए। यही है मेरा साहब जी। बड़ी खुशी हुई आप सब लोग मौके पर आ गए, सौभाग्य है मेरा। सचमुच हमें तो अपने भाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। जगन्नाथ जी, वो वक्त हो गया है इन्हें। आइए आइए, रतन से और वकील साहब से आपके बारे में सब कुछ। चलिए आप आइए। नहीं नहीं, आप चलिए। हमारी सुजाता बड़ी भाग्यवान है जिसे आप जैसा वर मिला। हम रतन का एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अब तो आपके दिल में रतन के लिए कोई मैल नहीं है ना? कैसी बात कर रहे हैं आप, बल्कि मैं तो सुजाता की माँ से आज ही कह रहा था कि काश हमारी एक बेटी और होती तो हम उसकी शादी रतन से कर देते। अरे हटो भाई, हटो हटो, मैं दूल्हे की दादी हूँ। दादी? दादी तुम? अरे ना लाए, शर्म नहीं आती तुझे अपनी दादी को बताए बिना ही शादी करने चलाए हैं? क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम, यहाँ कैसे चली आई? इन्हें मैंने बुलाया रतन सर, क्योंकि ऐसे मौके पर इनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। सच, बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए थी मुझे। अरे 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 अरे, मैं दहेज को क्या करूंगी जब साक्षात सोने की मूरत मेरे घर में आ रही है। बस करो दादी, अब चुप हो जाओ। अरे क्यों चुप हो जाओ, अगर तुझे बीवी मिल रही है तो मुझे भी तो बहू मिलने की खुशी है। बिल्कुल चांद, तुम समझती क्यों नहीं हो, ये मेरी शादी नहीं है। ये तुम्हारी शादी है रतन। मेहरा साहब, आप कह रहे थे कि अगर आपकी एक और लड़की होती तो आप रतन को अपना दामाद बना लेते। जी हाँ। हाँ तो वही हो रहा है। और रतन, तुम चाहते थे कि सुजाता को उसकी पसंद का वर मिल जाए। उसकी पसंद मैं नहीं, तुम हो। ये आप, ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो सुजाता ने मुझसे कहा, तुमसे कहना चाहती थी लेकिन मैंने रोक दिया उसे। तुमने सुजाता को हमेशा बेहतर जिंदगी के लिए समझा, ऊंचे सपने देखे उसके लिए, बड़ा घर, इज्जत, शोहरत, सब कुछ देना चाहते थे अपनी सुजाता को। और अगर ये तुमसे अपने दिल की बात कह भी देती तो तुम उसे समझाने की कोशिश करते और शायद समझा भी देते कि तुम उसके लायक नहीं हो। रतन, तुमने सुजाता को सर से पांव तक सजाना चाहा, लेकिन उसके दिल में नहीं झांक पाए जहां सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। ज्ञान, ज्ञान, तुम्हारी बेटी 10 महीने में विधवा हुई है, मगर ऐसी भी लड़कियां हैं जो 9 महीने में, 7 महीने में, नौकर सब मर गया क्या, 10 दिन में, 2 दिन में विधवा हुई है। अब किस विधवा की जरूरत ज्यादा ही है, सोचना नहीं पड़ेगा। ज्ञान, ज्ञान। जी डैडी। ये क्या है? आपकी बड़ी बहू
निर्मला तुम पागल हो गए क्या? पागल हो जाता लेकिन बच गया। रुपयों की लालच के अंधेरे में आप भटक गए थे और मैं आपके पीछे चलता रहा। एक पाप जो अनजाने में मैं कर बैठा था उसका प्रायश्चित हो सके इसी आशा में मैंने निर्मला से शादी कर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बड़े बाबू, बहुत अच्छे, मुबारक साहब जी, शुभकामना दीजिए। चुप, भागिए मत, यही तो शुरुआत है, सच्चाई का सामना कीजिए। जी हाँ, यही सच्चाई है। शादी ब्याह दो आत्माओं का पवित्र मिलन है, व्योपार नहीं। जिस देश में गाय की पूजा की जाती है उसी देश में स्त्री की हत्या, बहू की मौत, बहू का खून, घटनाएं अनेक और कारण एक, दहेज। ये वो समस्या है जिसे राज्य शासन दूर न कर सके। कानून बेबस रहा, यहां तक कि बापूजी ने भी नौजवानों से बार बार यही कहा था कि विवाह पर पैसों की मांग न केवल उनकी डिग्रियों को नीलाम कर रही है बल्कि वो अपने देश को बदनाम कर रहे हैं, इंसानियत को नंगा कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि ऐसी महान आत्मा की पुकार भी सोई हुई आत्माओं को नहीं जगा सकी। लेकिन ये घिनौना अंधकार हमेशा नहीं रह सकता, प्रभात तो होना ही है। सुजाता इस प्रभात की पहली किरण है जिसने दहेज की मंडी में बिकने से इनकार कर दिया। रतन इस प्रभात की दूसरी किरण है जिसने सुजाता को आत्मबल आत्मविश्वास दिया। इस प्रभात की तीसरी किरण है जिसने डिग्रियों की नीलामी में अपने मां बाप का साथ नहीं दिया। यही वो प्रभात है, वो रोशनी जिसका इंतजार हर लड़की के मां बाप को रहा है। अगर आप सोच सकें, समझ सकें, इस रोशनी को बढ़ा सकें तो हमारी ये शुभकामना आपके लिए।